Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. Cooking with Benazir, sirf zaika nahi, jazbaat bhi. Assalamu alaikum. Aaj hum cheesy chicken tikka crepes bana rahe hain. Sabse pehle hum crepes ka batter taiyar kar lete hain. उसके लिए हमने एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है. हम उसमें एक कप भरकर मैदा डाल रहे हैं. दो टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ बटर, पिघला हुआ मक्खन, एक अंडा, आधा कप पानी, आधा कप दूध, थोड़ा नमक. इन चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे. अच्छी तरह से हमने तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है. आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह है. ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें. अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो आप थोड़ा दूध या थोड़ा पानी डालकर इसे इस कंसिस्टेंसी पर ले आएं. हम इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे. चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमने 150 ग्राम चिकन ले लिया है बोनलेस. इसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं. हम उसमें ऐड कर देंगे नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, एक टी स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, एक टी स्पून नींबू का रस, एक टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून दही. अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हम मिला लेंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे. दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं. और हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक पैन में हम 1-2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे. इसमें हम जो चिकन हमने मैरिनेट किए हैं वो डाल देंगे. फ्लेम को हाई करके 2 मिनट हम चिकन को सॉटे कर लेंगे. फ्लेम को लो करके हम चिकन को अच्छी तरह ड्राई होने तक कवर करके पका लेंगे. चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो गई है. हमने फ्लेम को लो रखा है. हम इसमें एक छोटी प्याज और 3 टेबलस्पून कैप्सिकम चॉप किया हुआ डाल देंगे. थोड़ा सा नमक डाल देंगे. हमने चिकन टिक्का में भी नमक डाला है इसलिए थोड़ा कम डालें. हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, एक हरी मिर्ची बारीक चॉप करके. फ्लेम को लो रख के हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से. इसे हम कवर करके 1-2 मिनट पकाएंगे. तब तक प्याज और शिमला मिर्च पक जाएगी. लो फ्लेम पर इसे पकते 1-2 मिनट हो गए हैं. हम फ्लेम को बंद कर रहे हैं. ये बिल्कुल तैयार है. हम इसे ठंडा होने देंगे. तब तक हम क्रेप्स की तैयारी करते हैं. हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया है. पैन पर हम थोड़ा ऑयल स्प्रे कर देंगे. हम इस पर अब क्रेप्स का जो बैटर है वो पोर करेंगे. हम इस तरह से एक लैडल भरकर सेंटर में डाल देंगे बैटर को. फ्लेम को लो रखना है. धीरे धीरे करके हम इस तरह से इसे पैन के चारों तरफ फैला देंगे. एक साइड से क्रेप्स पक चुके हैं. हम पलटा रहे हैं. दूसरी साइड से भी मीडियम फ्लेम पर हम 1 मिनट पका लेंगे क्रेप्स को. दूसरी साइड से भी इन्हें पकाते 1 मिनट हो चुकी है. हम इन्हें चेक करते हैं. बस ये परफेक्टली रेडी हो चुके हैं. हम इन्हें निकाल लेंगे. इस तरह से हमें पतले पतले क्रेप्स बनाकर तैयार करना है. इन्हें ज़्यादा मोटा नहीं बनाना. बस इस तरह से पतले पतले क्रेप्स तैयार करने हैं.
दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चिकन अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। हम चिकन में अब चीज़ मिला लेते हैं। हमने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है आधा कप। आप कोई भी चीज़ जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं और जितनी चाहें यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हम अब क्रेप्स की फिलिंग करते हैं। हमने एक टेबल स्पून मैदे में 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसकी थिक स्लरी बना ली है। इस तरह से हमने जो क्रेप्स तैयार किए हैं वो क्रेप्स पे सेंटर में फिलिंग रख देंगे चिकन की। हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी फिलिंग रखी है इस पर, इसे हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है। हम अब इसे फोल्ड करेंगे। हम पहले यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर में स्लरी लगा लेंगे मैदे की। फिर हम इसे इस तरह से यहाँ से टर्न कर देंगे। यहाँ पर भी हम थोड़ी मैदे की स्लरी लगा लेंगे। क्रेप्स बिल्कुल तैयार है। हम इसी तरह बाकी के सारे क्रेप्स बना लेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे। चीज़ी चिकन टिक्का क्रेप्स बिल्कुल तैयार है। हमने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। चीज़ी चिकन टिक्का क्रेप्स को हम थोड़े से ऑयल में पकाएंगे, इन्हें हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। बस हमने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया होगा। फ्लेम को लो कर देंगे हम। फ्लेम को लो रख के हम लिड को कवर कर देंगे। इसे 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर क्रेप्स को पकते हुए। हम इन्हें चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमें क्रेप्स को गोल्डन होने तक पका लेना है। हम इन्हें लो फ्लेम पर इसीलिए पका रहे हैं क्योंकि हमने अंदर चीज़ ऐड की है। हम चाहते हैं कि चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। दूसरी साइड से भी हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट पका लेंगे। दूसरी साइड से भी हमने इन्हें पलटा दिया है। ये परफेक्टली पक चुके हैं। इस तरह से हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।